नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखेंगे मंडे के सेशन में हमारे ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकते हैं, कहाँ पे अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है, कहाँ पर अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के मार्केट देख लेते हैं, आज के मार्केट में क्या हुआ। तो चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हमने जो अपना कल प्लान बनाया था, जो मैंने प्लान आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने कुछ आपके बाइंग के लिए लेवल दिए थे और कुछ लेवल मैंने आपको सेलिंग के लिए दिए थे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सेलिंग के लिए लेवल दिए थे वो एक तो ये डे हाई था कि डे हाई के बाद जब भी हम जाएंगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल की कोशिश करेगा, इस एरिया से हम गिर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको सेलिंग का लेवल दिया था यहाँ पर जो स्विंग हाई लगा हुआ था, ये वाला एरिया। मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको लेके चलता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए ये वाला एक एरिया मैंने आपको सेलिंग के लिए दिया था, दूसरा एरिया मैंने यहाँ पर सेलिंग के लिए दिया था, और तीसरा मैंने लेवल दिया था सेलिंग के लिए जब हम डे लो ब्रेक करेंगे। तो देखिए अपने को एक यहाँ पर अपने को सेलिंग मिली और अपने को एक यहाँ पर सेलिंग मिली। मीन्स क्या है, अपने को दो ट्रेड यहाँ पर, दो प्लान हमारे यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और दोनों प्लान ने हमको यहाँ पर बहुत अच्छा करके दिया। यहाँ से भी सेलिंग एक्टिव हुई इस लेवल से 39,250 के आसपास के लेवल से, यहाँ से भी अपने को अच्छा ट्रेड मिला। और दूसरा जब यहाँ पर डे लो ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक होने के बाद भी मार्केट ने 800 900 से समझ लीजिए कि 550 के आसपास यहाँ पर गई, 250 350 पॉइंट यहाँ पर भी अपने को देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर प्लान प्लान को फॉलो किया होगा या देखा होगा मार्केट के हिसाब से अच्छे पैसे बनाए होंगे। चलिए यहाँ पर हम कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं, मंडे के सेशन में मार्केट किस तरीके से ट्रेड करती है अब वो देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद जाकर के या तो ये स्विंग हाई टेस्ट करे या तो हमारा डे हाई टेस्ट करे, यहाँ से हम गिर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट गैप अप ओपन होगी तो यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर गैप फिल करने के लिए नहीं आएगी, और फाइनली यहाँ पर देखिए ये जो गैप था ये मार्केट ने आज कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो अब अपने पास क्या है, अब अपने पास देखिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो एक न्यूज़ बेस्ड सिचुएशन, न्यूज़ बेस्ड क्या है कि ऑल सेंट्रल बैंक हाइकिंग रेट्स, जो सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड के उन्होंने अपने रेट्स वगैरह बढ़ा दिए हैं। तो ये क्या है, ये मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ है, एक खराब न्यूज़ है, मे बी मार्केट यहाँ पर जो है इसको नेगेटिव में ले सकती है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस, अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट, चार्ट क्या कहता है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेंटर का लेवल बन चुका है। सेंटर का लेवल मीन्स देखिए हमारे पास जो बिल्कुल डाउन लेवल है वो ये वाला लेवल है, ये है 37,800 के आसपास। दूसरा जो हमारे पास लेवल है ये है हमारे पास हाई जो है 39,400 के आसपास। अब ये दो लेवल हमारे पास बन चुके हैं, बैंक निफ्टी बिल्कुल और बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, यहाँ पर देखिए गैप फिल हो चुका है। बिल्कुल क्लियर कट मैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर अपने पास एक है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और इस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सारा दारोमदार होगा अब बैंक निफ्टी का मंडे के सेशन में। और ये जो हमारे पास जो नीचे का जो लेवल है, जो आज बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है 38,600 के आसपास, सॉरी 500 कुछ का है, 560 के आसपास, ये लो लेवल हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये हाई ब्रेक करते हैं, मतलब समझ लीजिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक रेंज बन चुकी है, ये हमारी ऊपर की रेंज है और ये समझ लीजिए हमारे पास एक डार्बस बॉक्स बन चुका है। अब बिल्कुल क्लियर और सिंपल भाषा में समझिए, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, मतलब हमारे पास एक तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो हमारा कल का डे लो था, ये डे लो, ये कल हमारे लिए सपोर्ट था, ये सपोर्ट आज क्या बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना आफ्टर ब्रेकडाउन, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर हो गया ट्रेंड लाइन, दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं। और नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट क्या है, नीचे की तरफ हमारे पास ये सपोर्ट है जो यहाँ पर डे लो लगा हुआ है। अब बिल्कुल यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, मार्केट ओपन होने देना है। अगर तो मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में ओपन होता है, इन दोनों रेंज के बीच में ओपन होता है तो अपने को बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो रही है और इस तरीके से कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है, तो आफ्टर ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर जो कैंडल ब्रेक कर देगी, आफ्टर ब्रेकआउट कैंडल जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही होगी तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए ये तो हमारा बाइंग की तरफ का प्लान हो गया। दूसरा क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर मे बी ओपन हो, ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद अगर ये नीचे का एरिया ब्रेक कर देती है तो भी बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर एक कैंडल नीचे जैसे ही क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगी हम यहाँ पर जो है सेल के लिए देख लेंगे। तो मंडे की मार्केट में भी बहुत इजी होने वाली है अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाती है तो। बट देखिए यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए कहीं यहाँ पर गैप अप ओपन होगी तो इस एरिया में ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा जहाँ से आज हमने रेजिस्टेंस लिया है। मे बी यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद जाकर के इस हाई को टेस्ट करे,
इस हाई को टेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से जो ट्रेंड लाइन होगी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ जाए। दूसरा क्या है, दूसरा प्लान में गैप अप ओपन का ही मैं शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर मे भी क्या है, गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद ये डे हाई टेस्ट करे, जहाँ पर हम एक बार रिवर्स हुए, दो बार रिवर्स हुए, इससे पीछे भी कई बार रिवर्स हुए हैं, और मे भी यहाँ से रिवर्सल की कोशिश करे। ध्यान रखिएगा यहाँ से हम बाइंग के लिए तभी जा सकते हैं जब एक बड़ी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करे। बड़ी कैंडल के अंदर यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में बाइंग के लिए देखना। अदरवाइज क्या हो सकता है कि मे बी कैंडल ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद क्या होगा कि नीचे की तरफ आकर के ये क्या है, शूटिंग स्टार की तरफ क्लोज कर दे और मार्केट इसके बाद नीचे आनी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले कैंडल क्लोज होने का वेट करिए, विदाउट कैंडल क्लोज हुए रनिंग कैंडल में एंट्री कभी मत करिए, क्योंकि रनिंग कैंडल क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। हम रनिंग कैंडल में एंट्री तो कर लेते हैं, रनिंग कैंडल हमको दिखा रही होती है कि वो एंगल्फिंग कैंडल बन रही है या बड़ी रेड या बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, बट फाइनली वो हैमर में या शूटिंग स्टार में क्लोज हो जाती है और वहां से ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो इस चीज पे नजर बना के रखिएगा। यहाँ से अब देखिए गैप डाउन ओपन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपन के लिए अब हमारे पास नीचे एक ये लेवल पड़ा हुआ है, ये मैं थोड़ा आपको डार्क करके दिखा दूं। मे भी देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ तक के लिए जा सकती है मार्केट। इस एरिया से अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर हम बाइंग के लिए देखेंगे। एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा ठीक कर लेता हल्का कर लेता हूँ चार्ट को। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है, ये एरिया अगर यहाँ पर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, ये वाली जब हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे तो मे बी हमारा पहला टारगेट ये वाला एरिया हो सकता है और दूसरा टारगेट यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ये कंटिन्यू काम करने वाली है। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर के अगेन ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। देखिए जो सिचुएशंस है वो मेरे हिसाब से तो मार्केट जो है नीचे की तरफ आनी चाहिए और ये वाला एरिया हमारा टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान बता दिया है कि अगर मार्केट यहाँ पर नॉर्मल ओपन होती है उसके बाद डे लो ब्रेक करती है सेलिंग के लिए देखिए। दूसरा क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बार इसको रेजिस्टेंस के पास जाने दीजिए। जब ये रेजिस्टेंस के पास चले जाएगा तो यहाँ क्या है, यहाँ पर सेलिंग अच्छी होगी, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अच्छा होगा और इसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है यहाँ पर। और फाइनली ये वाला हमारा टारगेट होगा मंडे के सेशन के लिए, ठीक है। तो 37,800 के आसपास हमारा सेलिंग की साइड का टारगेट होने वाला है और हमारा 39,400 हमारा बाइंग की तरफ का टारगेट होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वो बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं हम यहाँ पर आ गए हैं HDFC के चार्ट में, मैं इसको वनडे का चार्ट कर लेता हूँ। और वनडे के चार्ट में देखिए ये HDFC बैंक का चार्ट हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एक स्विंग हाई है और स्विंग हाई के पास जाकर के मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर दूसरा क्या है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर कंटिन्यू अभी होल्ड किए हुए हैं। अब यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस है और ये प्रीवियस स्विंग हाई भी रेजिस्टेंस है, दो एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मे बी ये वाला एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और फाइनली जो है अगर यहाँ पर आज का डे लो ब्रेक होता है, 1510 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम 1500 का टारगेट दे सकते हैं मंडे के सेशन में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक भी देखिए सेम अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास है, मे बी अब इसको 820 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। 820 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 830 और 835 तक लेकर के जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो एक हर्डल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि मे बी यहाँ पर एक डबल टॉप की तरह यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहेव कर रहा है। यहाँ पर प्राइस आकर के कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर दो दिन इसने सस्टेन किया, दो दिन के बाद फाइनली यहाँ पर अगेन एक बड़ी कैंडल बना दिया। अब यहाँ पर देखिए बाइंग के लिए तो उम्मीद कम लग रही है, बट यहाँ पर अगर 525 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 520 और 515 का टारगेट यहाँ पर मंडे के सेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पर रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद देखिए जिस लेवल को मैंने यहाँ पर बताया था ये लेवल के पास एग्जैक्ट हमने यहाँ पर कल पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने जो है एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। अब जब तक हम यहाँ पर इसका हाई नहीं निकाल देते तब तक यहाँ पर एक्सिस बैंक का ऊपर जाना मुश्किल है। हाँ अगर हम यहाँ पर 790 रुपये के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर 780 और 770 के लेवल देख सकते हैं मंडे के सेशन में। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक देखिए कंटिन्यू ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरा क्या है, हमारे पास ये एक एरिया है 1970 के आसपास, इसको एरिया हम अभी निकाल नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन है, अब देखते हैं मार्केट किस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। अगर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करते हैं तो 1970 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, बट यहाँ पर अगर डे लो आज का ब्रेक होता है, 1880 का लेवल ब्रेक होता है तो हम मे बी यहाँ पर 1850 और 1840 का लेवल देख सकते हैं मंडे के सेशन में।
अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने देखिए यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम बाइंग के लिए देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 982 रुपये के ऊपर, 982 के ऊपर, 982 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। चलिए बैंक निफ्टी पर नजर बना के रखिएगा। बैंक निफ्टी मेरे को जो है थोड़ा सा बेरिश लग रहा है अकॉर्डिंग वर्ल्ड न्यूज़, तो वर्ल्ड न्यूज़ का इफेक्ट पड़ सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर। दूसरा, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं अपने व्यू शेयर करते रहता हूँ, मैं अपने सारे ट्रेड वहाँ पर शेयर करता हूँ, उससे आपको ट्रेडिंग आइडिया मिल सकता है। चलिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।